हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए अभ्यास पुस्तिका हिंदी लेके आए हैं और ये अभ्यास पुस्तिका हिंदी कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है। इसमें आपको आओ करें और सीखें से संबंधित अभ्यास कार्य कराएंगे और जो आपकी ये दक्षता उन्नयन की पुस्तक है जिसमें आओ करें सीखें गतिविधि कर रहे हैं, ये राष्ट्र शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बनाई गई है। किस सत्र के लिए बनाई गई है? सत्र 2022-23 के लिए। और आपको हम इस वीडियो के माध्यम से जो आपका स्तर है, स्तर 3 से 5 के बच्चों का है, जो समूह कौन सा आ जाएगा इसमें, स्तर 3 से 5 में कौन सा समूह आता है आपको मालूम है कि जो बच्चा स्तर 3 से 5 में रहता है उसका समूह तरुण समूह रहता है। तो ये तरुण समूह के बच्चों के लिए अभ्यास कार्य करा रहे हैं हम। आपके लिए अभ्यास जो लेके आए हैं 74 लेके आए हैं, अभ्यास 174 है। अभ्यास 174 में क्या दिया देखते हैं। इसका अभ्यास 3, नीचे लिखे शब्दों में से एक वचन एवं बहुवचन शब्द छाट कर लिखिए। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको 72-73 जो अभ्यास थे वो बताए थे, वहाँ पे आपको वचन से संबंधित जानकारी दिए थे कि वचन 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है ये बताए थे। एक वचन क्या है, जहाँ एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं और जहाँ एक से अधिक वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, बहुवचन। तो यहाँ पे जो अभ्यास 3 दिया है, नीचे लिखे शब्दों में से एक वचन और बहुवचन शब्द छाट कर लिखिए। अब आपको यहाँ पे एक वचन और बहुवचन शब्द छाट के लिखना है। जैसे यहाँ ये बॉक्स में कौन कौन शब्द दिए, यहाँ पे एक वचन भी है बहुवचन भी, जैसे नदी, कटोरियाँ, सभाएँ, माता, पत्तियाँ, घड़ी, माला, कविता, डाली, थलियाँ नहीं, इसको थालियाँ पढ़ेंगे, महिलाएँ, मशीन, नारी, चीटियाँ, दरवाजे, छात्राएँ। तो यहाँ पे सभी दोनों है, ये शब्द कौन कौन से यहाँ पे हैं इस बॉक्स में, एक वचन भी है और बहुवचन भी है, इनको हमको छाट के नीचे लिख देना है। जैसे आप यहाँ पे एक वचन के नीचे लिख देंगे, नदी, कविता, माता, डॉली, घड़ी, मशीन, माला, नारी, ये क्या हो गए, एक वचन हो गए। और बहुवचन में क्या लिखेंगे, कटोरियाँ, सभाएँ, पत्तियाँ, थालियाँ, महिलाएँ, चीटियाँ, दरवाजे, छात्राएँ, तो ये क्या हो गए, बहुवचन। तो ये ऊपर वाले बॉक्स से हमें छाट के एक वचन और बहुवचन लिखना था। तो यहाँ पे आपको हमने एक वचन बहुवचन लिख के बताया ये कौन सा अभ्यास था, अभ्यास 174। इसके बाद आपका अगला अभ्यास आ रहा है, अभ्यास 175। इसमें क्या दिया है, शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। किसके शब्दों के वचन बदल के, वचन समझ रहे हैं आप, वचन मीन्स क्या होता है, एक वचन और बहुवचन। यदि एक वचन में है तो उसे बहुवचन में बदलना है और बहुवचन में तो उसे एक वचन में बदलना है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एक वचन और बहुवचन, एक साइड दिया एक वचन, दूसरे साइड दिया बहुवचन। यहाँ पे एक वचन क्या दिया, घोड़ा, घोड़ा का बहुवचन क्या बनेगा, घोड़े, ताला का ताले, और बहुवचन में केले दिया है तो केले क्या है, बहुवचन है, तो हम उसको कायम बदलेंगे, एक वचन बदलेंगे, एक वचन क्या हो जाएगा, केला। अब यहाँ पंखे दिया है, पंखा, पंखे क्या है, बहुवचन है, तो इसको एक वचन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, पंखा। चम्मचें दिया है तो चम्मचे का एक वचन क्या बन गया, चम्मच। फिर यहाँ पे एक वचन दिया संतरा, संतरा को आप क्या किसमें बदलना है, आपको बहुवचन बदलना है, तो क्या बन जाएगा, संतरे, पत्ता का पत्ते, टोकरी का टोकरियाँ। इस प्रकार से एक वचन से बहुवचन में और बहुवचन से एक वचन में कैसे बदलना है ये आपको बताए। यहाँ पे आपका अभ्यास 175 समाप्त हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास आता है आपका अभ्यास 176। लेकिन हमारे पास जो बुक थी उसमें अभ्यास 186 लिखा है, वह अभ्यास 186 नहीं है। यदि आपकी बुक में भी अभ्यास 186 लिखा है तो उसे सुधार कर अभ्यास 175 लिख 176 लिख लीजिएगा। चलिए अभ्यास 176 देखते हैं। शब्दों को उदाहरण के अनुसार वचन बदलकर नया वाक्य बनाइए। जैसे उदाहरण में दिया ताली, अब ये ताली शब्द से हमको क्या बनाना है वाक्य, सोहन ने अच्छे काम पर ताली बजाई। अब इस ये क्या था, एक वचन था, इसको बहुवचन में बनाना, तालियां, तालियां कैसे बनाएंगे, भारत के जीतने पर सभी ने तालियां बजाई, तो ताली का बहुवचन क्या बन गया, तालियां। ताली क्या हो गया आपका, एक वचन, और तालियां क्या हो गया, बहुवचन। इसी प्रकार टोपी भी बनाना है तो टोपी यानी एक वचन है, तो अब ये वाक्य किससे बनेगा, एक वचन से बनेगा, तो कैसे बनाएंगे, सोनू ने मोनू को, सोनू ने मोनू को टोपी पहनाई। अब टोपियाँ पे आपको वाक्य बनाना है तो टोपियाँ पे आप वाक्य बना सकते हैं अपने आधार पे, मैंने यहाँ पे अपने आधार पे बनाया हूँ, आपको जो उचित लगेगा कि टोपी एक वचन वाला वाक्य कैसे बनाएं तो आप बना सकते हैं। टोपियाँ पे क्या बनेगा, गांव के सभी लोग टोपियाँ पहनते हैं, मैंने यहाँ पे टोपियाँ पे वाक्य बना के बताया आपको कि गाँव के सभी लोग टोपियाँ पहनते हैं। फिर गुड़िया पे, कविता ने एक गुड़िया खरीदी, एक गुड़िया की बात हुई एक वचन की, इसलिए एक गुड़िया खरीदी।
और गुड़िया। हाँ तो यहाँ पे गुड़िया है, यहाँ पे बहुवचन है, तो दुकान में अनेक गुड़िया हैं। लड़की, तो आप लड़की बना सकते हैं, लड़की स्कूल जा रही है और दूसरा लड़कियाँ स्कूल जा रही हैं। इसी प्रकार चिड़िया पे, आसमान में चिड़िया उड़ रही है और चिड़ियाएँ, तो आसमान में चिड़ियाएँ उड़ रही हैं। बच्चा पे, सड़क पर बच्चा घूम रहा है और बच्चे का वाक्य क्या बनेगा, स्कूल में बच्चे खेल रहे हैं। कविता, राम ने कविता स्कूल में सुनाई, तो कविता किसने सुनाई, राम ने, तो एक कविता की बात है। और कविताएं, तो अनेक कवि मिलकर कविताएं सुना रहे हैं। तो इस प्रकार से आपके जो एकवचन वाला वाक्य, बहुवचन वाला वाक्य कैसे बनाना है, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया। और यहाँ पर जो आपका अभ्यास 176, 175 और 174 समाप्त होता है। और यदि ये अभ्यास आपको समझ आए तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।